तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई, ये कल का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया था, कल का व्लॉग थोड़ा सा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आज मेरी तबीयत ठीक है। आज चलो करते हैं शुरू आज का व्लॉग, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चल रहा हमारा ब्लॉग, सब देख रहे हैं बैठ के, पापा मम्मी सब देख रहे हैं। तो भाई लोगों, मैं भी जा रहा था शेविंग कराने के लिए, तो मेरे पापा के फोन पे फोन आया कि आपका व्हाट्सएप पे लॉटरी निकली 25 लाख रुपए की, तो आप हमारे जो मैनेजर है स्टेट बैंक उनसे बात करिए, आपको कैश करा देंगे, कि किसी को नहीं बताना है कि आपकी लॉटरी निकली है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो मैं बात करता हूँ और फिर आपका कराता हूँ मैं। तो भाई सुनना, आपकी क्या क्या क्या, क्या बोल क्या क्या कह रहे हैं। प्रोफाइल देखो, SBI के लगा रहे हैं, प्रोफाइल देखो। सुनते रहो आप। मेरा ध्यान से देखिए क्या क्या आ रहा है इसमें। देखिए लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राणा प्रताप, ये रन का नंबर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ की लोकेशन आ रही है इनकी, इनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस नंबर से फ़ोन करा है, जो मेरा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का, उससे फ़ोन करा। तो आपके एक मतलब कि जिन्होंने बात करी थी उन्होंने कहा था कि आपकी 25 लाख की लॉटरी खुली है और आपका लॉटरी नंबर है 4500। जी सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट सर, आपका दूसरे वाला जो नंबर है 85935। हाँ जी, उस नंबर से पहले कॉलिंग कर रहे थे ना आप। हाँ जी, तो उसमें है ना कि उसमें मेरा वो नहीं है ना, उससे हो नहीं पाएगी मेरी। हाँ तो हाँ, तो उससे मेरी कॉलिंग हो नहीं पाएगी ना, इसीलिए मैं कह रहा था। अच्छा मेरी बात सुनिए, मोबाइल किसी के हाथ में मत दीजिएगा, मोबाइल अपने हाथ में रखिएगा। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर आपका हैंग हो या सिम कार्ड का नंबर को डुप्लीकेट निकलवा के खुद भी इनाम हासिल कर सका है। व्हाट्सएप के साथ मोबाइल के साथ कोई मसला ना बने। देखो भाई साहब, ना आपने लॉटरी खेला है, ना आपने कोई नंबर, ना कोई पर्ची, ना टिकट दिया है। हाँ जी, आपने कुछ भी नहीं किया है सर। आपको पता हमारे देश में जो सैंगड़ महामारी फैली है, कितने लोगों के बिजनेस तबाह हुए, कितने लोगों के कारोबार बंद हुए, जो गरीब जो मजदूर कहीं काम करते थे कहीं जॉब करते थे सब बेरोजगार। इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, लोगों की कितनी डेथ हुई है। तो इस महामारी की वजह से ना सर, इंटरनेशनल ड्रॉप पर 35 लोगों के प्राइस निकले सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम है आयुष उपाध्याय और मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये मोबाइल आपने का है या किसी का उठा रखा है आपने? ये मेरा खुद का मोबाइल है भाई साहब। मोबाइल किसी के हाथों में नहीं देना है, लॉटरी के बारे में शोबाजी पब्लिक सिटी नहीं करनी, क्योंकि आपका नंबर कोई जानता हो पहचानता हो किसी को पता चल जाता है ना कि आपका ये नंबर विनर है, इस नंबर पे ऑफर निकला है। व्हाट्सएप नंबर आपका हैंग भी हो सकता है, सिम कार्ड का नंबर कोई डुप्लीकेट निकलवा के खुद भी इनाम हासिल कर सकता है, मोबाइल कोई छीन भी सकता है,
चुपचाप अपना खामोशी से आपने काम करवाना है। ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ओके। हाँ देखो, आपका किसी भी बैंक में खाता नंबर है, अकाउंट नंबर? सर कोई नहीं जी, मेरे किसी बैंक में खाता तो है ही नहीं। नहीं जीरो बैलेंस वाला हो? नहीं अच्छा, जो कोई किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में बैंक खाता नंबर अकाउंट नंबर हो ना, बैंक खाता नंबर अकाउंट नंबर मेरे को इसी नंबर पे सर व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करके कॉल लगाइएगा आप, ठीक है? जी नहीं, मेरे पास सिर्फ, मैं सिर्फ पेटीएम चलाता हूँ, मेरे पास कोई भी खाता नंबर नहीं है मेरा। जीरो बैलेंस वाला फैमिली में से किसी का भी हो, खाली खाता नंबर? सर भाई साहब, मैंने आपसे को पिन नंबर, ओटीपी नंबर, एटीएम नंबर नहीं पूछा है, खाली खाता नंबर पूछा है, ओके। मैं किस गारंटी पे आपको अपना अकाउंट नंबर दूं? किस गारंटी पे? आप मुझको क्या गारंटी दे रहे हो? हेलो हेलो, फोन काट दे। देखो आप उठा नहीं रहा फोन। ये बताता हूँ मैं इनको, रुको ना, तो इधर रुक जा। पता नहीं है ना किसको फोन करा इन्होंने। हाँ ऐसे बोलो, साफ सीधा ऐसे बोलो। अबे उठा ला फोन, लेकिन उठा रहा। लाख की लॉटरी खुली लेगा है? सही है, मैं 25 लाख की लॉटरी देख। मेरे अकाउंट नंबर मांग रहा है, 25 लाख रुपये डालने के। दे दो अकाउंट नंबर, काय को दूं, पैसे निकाल लेता हूँ। तू ले ले 25 लाख रुपये मुझसे, मैं दे दूंगी। किसकी बना रहा हूँ? किसी की बना रहा हूँ, फ्रॉड है एक नंबर का। भाई फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। वो लगता है उसको पता चल गया कि मैं अब कर रहा हूँ वीडियो, छानबीन हो रही है। रुको, जैसे ही ये फोन उठाता है ना, जैसे फोन उठाता है मैं आपको फिर से वीडियो में पक्का डालूंगा। ये तो कट हुआ थे ना, ये तो फिर आपने कट क्यों करा था? सर मेरी मर्जी है सर, आपके साथ ही बात करता रहूँ क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ तो आप बताओ ना। और था 127 नहीं, अल्लाह माचे साबा। आप बताओ ना, मेरी उसका क्या हुआ, लॉटरी का क्या हुआ? मेरे क्या मेरे लॉटरी का क्या हुआ? क्या हुआ बता तो दिया, बार बार बताऊं क्या? हाँ तो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे, आप ये बताओ। हाँ आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आप कैसे बात कर रहे हो? मैंने आप तो कहा, तुम्हीं से बात कर रहे हो ना। मैंने मैंने आपसे कहा कि भैया कि मैं आपका अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, पर क्या गारंटी है उसकी कि आप मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकालोगे? यार देखो भाई, जीरो बैलेंस वाला दे दे, पढ़े लिखे हो तो आप इन चीजों को जानते हो, पता होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जीरो बैलेंस वाला दे दो, खाली खाता नंबर दे दो। अच्छा फोन चलाते हैं आप? फोन चलाता हूँ मैं।
हाँ, उसमें इंटरनेट चलाते हो फोन में? फोन में इंटरनेट चलाते हो? हाँ, कुछ भी भेज दो, ठीक है। बात तो सुनो, यूट्यूब खोलना और उस पर सर्च करना आयुष उपाध्याय ब्लॉग्स, कल आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। और अब मैं फोन काट रहा हूँ, और आप ना ऐसे किसी को स्कैम मत करा करो, ठीक है ना? कोई गरीब भी फंस सकता है आपके जाल में, ठीक है ना? क्या मैं कौन सा जो चैनल बोल रहे हो बताओ, आयुष दे दो उपाध्याय मुझे ब्लॉग पैसे। सर्च करना, पता पता पड़ जाएगी आपको, ठीक है ना? इन आप सब भेज दीजिए, लिंक लिंक भेज दो ना भाई, देख नहीं लेते नहीं जो आप हैं। स्कैम करते हो ना, ये स्कैम करते हो ना, ये हमने कल जाकर छोड़ रखे हैं लोगों के साथ, ठीक है ना? यार तो वो ठीक है, हाँ, तो उनका आप चैनल ये मत बता सोचो दो। कि मैं आपके उसमें आ जाऊंगा, झांसे में आ जाऊंगा। आप जैसे मैंने बहुत देखे हैं। यार तू बहुत समझदार है, तू उस बात को छोड़ना, हाँ, और मैंने अपना बहुतों यूट्यूब चैनल का बोल, है चैनल बोल अपना। आप डालो आयुष उपाध्याय ब्लॉग्स। यार आप वो अपना लिंक भेज दो ना। रुको, मैं आपको लिख के भेज, रुको रुक जाओ एक मिनट। लिंक भेज दो, जो ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, लिंक अरे भेज भैया, दो तुमसे तो पढ़ाई लिखा हूँ ज्यादा मैं, यार, तुमसे तो लिंक भेज अरे ना। मेरे तो तुम नहीं पढ़े लिखे, ठीक है ना? जो तुम हो अच्छा ना, लिंक भेज अरे जो दे, तुम हो ना, हैकिंग बैकिंग सब सीख के बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना? अरे लिंक भेज दे, ज्यादा बातें ना करे यार, अब लिंक भेज दे, कैसा कि बदतमीजी पे तुम्हें लोगों को ठगते हो, अरे शर्म लिंक नहीं आती भेज दे तुम्हें? ना, अरे लिंक भेज दे ना। और मैं क्यों भेजू लिंक? तो ना भेज मेरे को, फिर क्यों चैनल बता रहा, मैं देखता हूँ कि क्या किया आपने। क्या हाँ, तो आप लिंक क्यों देख रहे हो? आप इसे सर्च करो ना, जो नाम है, नाम है, मुझे नाम नहीं आ रहा आपका। नाम है आयुष उपाध्याय ब्लॉग, सर्च करना आप, और आपको कल आपकी वीडियो मिल आयुष जाएगी, बाजा, जाना। आयुष बाजा ब्लॉग, हाँ, आयुष उपाध्याय ब्लॉग्स, और कल आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी, खुश रहना, देख लेना। आयुष बाजा ब्लॉग। देख लो, मैंने लिख के भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे, देखो। आयुष कितनी पढ़ाई करी तुमने कि तुम एस बैंक के बन के मैनेजर हैं? लोगों को ठगते हो, शर्म नहीं आती? एक दिन तुम्हारा ऐसा दिन आएगा ना, पता पड़ जाएगी, सारी एकड़ी निकल जाएगी बाहर। काट दिया भाइयों, काट दिया फोन भाइयों। ऐसे स्कैम में कभी मत फंसना, जिंदगी में बता रहा हूं मैं, देखो कैसे बदतमीजी पे आ गया ये। ऐसे स्कैम में आप कभी मत फंसना, कभी भी नहीं जिंदगी में, कभी नहीं फंसना। ऐसे स्कैम होते रहते हैं भाइयों। और सीधा पुलिस को फोन करना, किसी को नहीं, मेरा तो ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैंने भेज दिया। चलो अब बचे रहना इस स्कैम से। तो भाइयों ये जो आ रहा है ना 9362, ये उनका नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही कॉल लगेगी। तो भाइयों आप इस कॉल को स्पैम कर दो भाई, इसको तंग कर दो बिल्कुल। यार ये तंग करते हैं ना लोगों को, आप इनको तंग कर दो। तुम इनको छोड़ रहे हो मत, इनसे जाके आप सवाल करो कि आप क्यों करते हो स्कैम, आपको शर्म नहीं आती क्या? और चलो करना। हाँ, तो भाइयों देखा आपने कि कैसे फ्रॉड को लाया, तो भाइयों इनके झांसे में कभी मत फंसना आप, कभी ज़िंदगी में मत फंसना इनके झांसे में, ये आपको फंसाते हैं और फिर आपसे करते हैं कार्रवाई। तो भाइयों जब मैंने वैसे तो रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन मैंने फिर बाद में फ़ोन करा था और पूछा था कि भैया कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है। तो भैया उसने सीधा गाली बकना शुरू कर दिया, मम्मी सामने बैठे, मम्मी से पूछ लो, मम्मी ने भी बात करी थी, तो सीधा उन्होंने गाली बकना शुरू कर दिया। तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि फिर वीडियो ख़राब हो जाती, कंटेंट बेकार हो जाता। तो इनके चंगुल के फंसना मत, तो मैं जा रहा हूँ अभी सेविंग कराने, बाल कटवाने, और वो रिकॉर्डिंग आप पूरी सुनना। पापा जी जो स्कैम हुआ था हमारे साथ अभी, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनको इस बारे में? कितने बजे आया था कॉल उसका? सुबह आया था, कम से कम 8-9 बजे के करीब। अच्छा हाँ, सुबह आया था ना वो। अच्छा मैं भी था उस टाइम। हाँ 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 आपके तो फोन पे आया था। हाँ हाँ मेरा ही फोन पे आया था नंबर पे। क्या क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं कह रहा था कि 25 लाख की लॉटरी लगी आपकी। क्या हाँ 25 लाख का लॉटरी बता रहा था वो। तो क्या क्या तुमने बात किया, क्या कहा वो? उसने कहा कि अपने अकाउंट नंबर भेजो। अच्छा तो मुझे तो पता है कि अकाउंट नंबर से वो मतलब कि निकाल नहीं पाएगा पैसे, वह हाँ। आगे चल के पैसे की मांग करता ना कि हमें इतने पैसे दो। फ्रॉड तो नहीं था वो? फ्रॉड ही तो था वो, इतनी देर
बात क्या हुई उसके साथ? बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। ये साला आदमी ठीक नहीं था वो फिर। तब क्या करना चाहोगे ऐसे तो उसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उसको छानबीन करे कौन है ये, कहाँ से क्या क्यों फोन करता है ये। वो तो मैंने भेज दिया है उसका नंबर ट्रैक करने के लिए। अरे सही किया ये, हर एक उस पर जो है यूट्यूब पे ये सबको शेयर कर दो, जो आदमी देखे ऐसे फ्रॉडों के बीच में ना पड़े, ये बातों में झांसे में ना आए और सीधा उसको कंप्लेन करें। अब दुनिया जब सब समझेगी जानेगी देखेगी तो समझ में आएगा कि ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। अब पढ़े लिखे भी इस लोग झांसे में आ जाते हैं। और कई बार इधर ऐसे हादसा हो चुका है कि लोग जो है लॉटरी के चक्कर में जमीन गाड़ी तक भी बेच के पैसा दे दिया। हाँ, कि करोड़ का लॉटरी है। आपने देखा नहीं जब उसको हमने पकड़ लिया तो कैसे गाली पकने लगा था लास्ट में? हाँ हाँ, वो अपना झांसा दिखा रहा था मैं बहुत सही आदमी हूँ, जब आए नहीं तो फिर गाली पकने लगा लास्ट में। हाँ, गाली पका तो कोई बात नहीं, अब सैर करोगे दुनिया जानेगी ना। अभी दुनिया का मैं तो उस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने कार्रवाई करो, इसका कार्रवाई भी होगी। मैं उसका नंबर भेज दिया है, करके इसका नंबर भेज दिया ना, मैं इसका नंबर भेज दिया है कार्रवाई करने के लिए पुलिस को। हाँ, अब ट्रैक करेंगे। हाँ तो सही है, ये सबको शेयर करो। शेयर होगा सबको, अपने सब आदमी अब जैसा होगा अपडेट करूंगा मैं इन्हें बाद में कि उसको उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा बताएंगे बाद में। यूट्यूब पे डाल दो इसको। मैं तो डालूंगा ही, वो तो इसलिए तो मैंने रिकॉर्ड करा था। यूट्यूब पे डाल दो, जो भी देखेगा पूरा देखेगा ये, समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम है। ऐसे कई आदमी हैं जो हमें सब, कोई 1 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 25 लाख का, ऐसे सब फ्रॉडों का काम है। अकाउंट नंबर किस लिए मांग रहा था वो, कि फ्रॉडों का काम है ये कि इतना पैसा जमा कर दो, मुकेश अम्बानी का सिग्नेचर होना है तो ये है तो फलाना है ठिकाना है, 20 बातें बताता है लोग सब कि आपका अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा 10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो ये सब फ्रॉडों का काम तो है ये, और क्या है, अच्छा चीज़ थोड़े है ये। इनके झांसे में जो आ गया हो गया बर्बाद। वही तो, कोई गरीब आदमी झांसे में आ गया, पढ़े लिखे झांसे में आ जाते हैं अच्छे खासे, उनके बातों में चुपड़ी चुपड़ी बातें सब करता है और बातों में आ जाता है आदमी। यहाँ जलालपुर रोज आए, यहाँ गाजियाबाद में कई ऐसे कांड हुआ, नहीं करा पाया, बाल नहीं कटवा पाया क्योंकि वो भैया आज लेकर नहीं आए थे, तो मशीन लेकर नहीं आए थे। तो चलो अब परसों देखते हैं, परसों कहीं करेंगे क्योंकि कल तो बृहस्पतिवार है, तो चलो चलते हैं अब आगे। तो भाई लोगों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और भाइयों, ऐसे लोगों के झांसे में प्लीज़ मत आना, प्लीज़ प्लीज़ मत आना भाइयों। आप ऐसे लोगों के झांसे में फंसना मत भाई, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, सभी पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको बस एक अलर्ट किया इनके बारे में, क्या पता कि इन्होंने मुझको अगली बार आपको फ़ोन करें। तो भाई प्लीज़ इनके झांसे में बिल्कुल मत आना, अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल मत दे देना इन्हें, भूल के भी नहीं। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना ताकि मैं उसको वीडियो में लूँ। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।